बिहार के बक्सर में पंचायत सचिव की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पंचायत सचिव सोमवार को ड्यूटी के लिए घर से निकले थे और रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे, जिसके बाद दूसरे दिन रोहतास के करहगर में नहर से उनका शव मिला। पंचायत सचिव की हत्या को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वहीं परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। मामले में डुमराव डीएसपी के सिंह ने जांच की बात कही है। वहीं जेडीयू विधायक दद्दन यादव ने मामले को भारी लापरवाही बताया है और दोषियों को बचने न देने की बात कही है। मतलब कि लापरवाही कहा जाएगा, बहुत ही गलत काम हुआ है। इस पर हम लोग गंभीर विचार करेंगे। जो ऐसा गलत काम किया है उसको किसी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। सर, क्या मानते हैं कि बिहार में अपराध कंट्रोल है, खासकर आपके गृह जिले डुमराव और बक्सर में? हम देखिए, हम लोग तो बहुत दुखी थे। डुमराव में ऐसा घटना नहीं होता था, ये पहला घटना है। इसलिए इस पर हम लोग गंभीर विचार करेंगे कि कौन इसमें दोषी है। दोषी व्यक्ति को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस पर अभी जो स्थिति है, इसके बाद हम लोग विचार करेंगे इस पर। क्राइम के बाद क्राइम बढ़ गया है। देखिए, क्राइम तो अभी क्या कहा जाएगा, बताइए। यहाँ से 9 बजे निकलते हैं और 9:14 पर उनका मोबाइल कटा जा रहा है। वो कटने के बाद समझिए कि उसके बाद बंद कर दिया गया, ले जाके देखिए रोहतास में नहर में डाल दिया गया मार के। ये तो बहुत दुखद घटना है। इसमें समझिए कि पूरे हमारा डुमराव विधानसभा क्षेत्र के लोग दुखी थे इससे। अब परसों से चौथा रोज जहां से घटना है उस दिन से हम लोग लगे हुए हैं। इंसाफ मिलेगी? एकदम इंसाफ मिलेगा इसमें। गलत करने वाले को जरूर सजा मिलेगी। अभी स्पष्ट रूप से कहने लायक कोई बात सामने नहीं आई है। कुछ सुराग मिले, हम लोग काम कर रहे हैं। क्लियर होगा तो बताया जाएगा आपको। ये जो घटना हुई है सर, इसमें कुछ लोग नामजद बताए जा रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस तरह का अंजाम दिया गया है। अनुसंधान जारी है? हाँ, उस बिंदु पर भी जाँच की जा रही है। तीनों को इकट्ठा किया जा रहा है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।